अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माई अनदर ब्लॉग। माई नेम इज़ सलमान शेख और मैं हूँ रहता हूँ रसूल खामा में। आज की एक अच्छी बात, आज है जुमेरात और जुमेरात और जुम्मे का हमारे नबी पाक रोज़ा रखा करते थे। सुन्नत है, रखो तो सवाब है, नहीं रखो तो गुनाह नहीं है। मगर क्या है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो तो कोशिश करा करो, एक्स्ट्रा इबादतें करो। एक्स्ट्रा इबादत करोगे तो अल्लाह ताला आपको वहाँ से आपको रिस्क देगा और आपको खुशियाँ देगा जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते ना, और अच्छे काम करा करो। तो अभी हम जाएंगे, आज हम बनाएंगे पुलाव और आज हमने अभी मच्छी बनाई है, ये हम अपनी अम्मी जान के लिए लेके जा रहे हैं और उसके बाद हम वहाँ से वापसी में गोश्त लेंगे। हम अफ्तार में बनाएंगे आज अवानी पुलाव, तो चलते हैं दिखाते हैं आपको। अच्छा, अम्मी के घर गए हम जल्दी से, बस उनको खाना दिया, हमने बर्तन लेने थे ली गए। अब आए मार्केट, सबसे पहले निकालेंगे कैश, ज़रूरी है। ये हमारा ये घंटा हुआ 140 का और उसके बाद ये मार्केट है। देखो भाई, ट्राली अंदर लेके जा रहे हैं, ये कार्ड निकाला हमने। ये आ गई मार्केट जहाँ से हमने गोश्त लेना है, पूरा गोश्त वाला। इनके पास गोश्त अच्छा मिल रहा है आजकल, इसलिए हम इधर से ले रहे हैं ना, वरना तो मैं नखिल से जाके लेता हूँ। देख रहे भाई, ये वाला गोश्त लिया और ये दिखाता हूँ मैं कैसा है आपको, ये कैसा गुलाबी गोश्त। गोश्त जो भी खाना हो ना, मेरा जो मानना है पिंक कलर का लो, गुलाबी कलर का ना, क्योंकि रेड वाले में ना होता है, मगर जो रेड होता है ना उसका भी टेस्ट सही होता है, ऐसा नहीं कि नहीं, मगर पिंक कलर का बहुत कम आपको गोश्त मिलता है और बहुत मज़े का मिलता है ना। तो जब भी ट्राई करो ना, पिंक कलर का गोश्त ट्राई करो और वो बहुत लजीजदार। मैंने सामान ले लिया, यह मार्केट से बाहर निकले, अभी घर भी जाना है, नमाज भी पढ़नी है जोहर की ना। और ये चेक करें, ये हमारी गाड़ी खड़ी है। अभी हम आए सनसेट मार्केट, मगर सर्दियों का दिन है, मगर वल्ला दिन में गर्मी है। ये हमारे भाई गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, ये अक्सर इधर होते हैं ना, तो इनको हम अभी दिलाएंगे कुछ लस्सी वस्सी ना, ताकि जितनी जो गर्मी हो रही है ना बाहर, थोड़ा सा सुकून मिले भाई को ना। ये हमारा भाई है, हम ना व्लॉग बनाते हैं, पता है, वीडियो डालते हैं सब लोग। ये हमारा छोटा भाई है। लस्सी हमने इनके लिए ले लिए और उनको जूस दिला दिया, पानी की बोतल दिला दी। पता है, जब आया करो ना मार्केट, कोई फ़र्क नहीं होता, कितने 13 रुपये भी नहीं, 13 रुपये कुछ बने, हाँ क्या हो गया, मगर क्या ये छोटी छोटी चीज़ें ना, आपको फिश नहीं लगी हुई, लो पिछली बार फिश लगी हुई थी, आज गायब भी हो गई, जो हमें बड़ी फेवरेट लगी थी ना, लो भाई ये तो बकरा बढ़ गया ना। ये लेके गए थे पहले, तो इसकी स्मेल अच्छी है ना, तो मैंने बोला ये रख लेते हैं, पाकिस्तान जब जाना होगा तो भेज देंगे, ये अच्छी चीज़ है ना। क्या है ये तुम्हें पता होगा पढ़ लिख के ना। मैंने सोच लिया बाबा को उम्रे पे बुलाना है इंशाल्लाह, या तो जब पाकिस्तान जाना है, आहिस्ता आहिस्ता बंदा सामान जमा करता रहे, इकट्ठा हो जाए, पाकिस्तान का टिकट करा निकल जाए। बाजी को समझा नहीं पा रहा कि किशमिश आई वा कि किशमिश को क्या बोलते हैं ना, मैंने बोला वाइट वाली, वेट मेरे समझ में नहीं आ रहा था किशमिश को क्या बोलते हैं, काली वाली देख के मैंने बोला कि ये ऐसी सफ़ेद वाली कैसी होगी। कितने की लेनी है ये? जो अवानी पुलाव बनाएंगे ना उसमें ये मिर्चे, ओहो इसकी मिर्चों की चटनी बनती है, बहुत वीआईपी बनती है, इतनी ज़बरदस्त होती है, आपके तन बदन में आग लगा दे ये मिर्चे। ओह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सामान ले लिया, ये रख रहे हैं, उसके बाद अब घर चलते हैं। खलास, ये देखो ये परदेश की ज़िंदगी बेचारे यहीं बैठ के नाश्ता कर रहे थे, पता नहीं खाना खा रहे थे ना। बट शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर वालों के लिए मेहनत कर रहे हैं भाई। अल्लाह ताला सबके रिस्क के हलाल में बरकत दे, तरक्कियाँ दें, खुश रखे, सबसे बड़ी बात खुश रखे, क्योंकि समटाइम पैसे भी होते हैं, खुशी नहीं होती ना, तो अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और खुश रखे। और अब बस हम घर जा रहे हैं और मेरी भी टाइम टाइफिश हो गई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह शाम को बनाएंगे हम अवानी पुलाव। देखते हैं ये ब्लॉग कैरी ऑन करें या तो इसको यहीं फिनिश करेंगे। बाय बाय, गुड मॉर्निंग गाइज, हम तो अभी उठे हैं सो के और हम आपको दिखाते हैं अवानी पुलाव। सर घूम रहा है हमारा, नमाज पढ़ेंगे और हम निकल जाएंगे फिर। ये वो चटनी है जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये दिल्ली की चटनी है, वाह मतलब लाल मिर्ची की जो हमने ली थी। और अब ये देख रहे हैं, टमाटर को इग्नोर करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। अब मेरी तरफ से सच्ची में बाय, अब हम असर की नमाज़ पढ़ेंगे, टाइम भी हो गया असर का, और फिर निकल जाएंगे। दुआओं में याद रखें, अच्छी अच्छी बातें लोगों से शेयर करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।